कभी कभी कुछ लोग सरकार के गले की फांस बन जाते हैं। ये कोई कहावत तो नहीं बल्कि एक ऐसा सत्य है जिससे सरकारें अक्सर मुंह चुरा लेती है। ऐसी ही कहानी है एक डिप्यूटी कलेक्टर निशा बांगरे की। डिप्यूटी कलेक्टर निशा बांगरे प्रशासन से जुदा होना चाहती है लेकिन शिवराज सरकार उनका त्याग पत्र स्वीकार नहीं कर रही है। निशा बांगरे ने बैतूल से राजधानी भोपाल तक तकरीबन 200 किलोमीटर की न्याय यात्रा निकाली। उनका कहना है कि अगर मेरा त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया गया तो मैं आंदोलन करूंगी। हालांकि भोपाल में प्रदर्शन के दौरान डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के कपड़े फट गए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की फोटो को भी नुकसान हुआ है। वे मुख्यमंत्री हाउस जाना चाहती थी, इसी दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, रोक लिया। महिला पुलिसकर्मियों ने उनसे झूमाझटकी की, खींचतान की, जिससे उनके कपड़े फट गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार उनका त्याग पत्र स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? क्या उनका त्याग पत्र सरकार के गले की फांस बन गया है?